हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे, मजे में। चलिए देखिए, इसे पहले वाला वीडियो देखा था आपने? नहीं देखा था, देख लीजिए। आप गया मैं होगा ही, सब्सक्राइब तो कर ही रखे होंगे। उसमें से देखो, मैंने बताया था जब साइड चेंज होता है तो माइनस प्लस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बहु, बेटी, बेटा, दामाद, याद रखना आप लोग भी इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर बनोगे। आज बनो, कल बनो, कभी बनो, बनना तो है ही। भैया आज मत बन जाइयो। देखो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बेटा हमसे पूछ रहा है 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 raised to the power n है। अब ये बताओ आप लोग, कोई भी नंबर हमारा 0 पे एंड हो, इसके लिए केवल और केवल एक ही वे में चाहिए कि वो नंबर 2 और 5 के मल्टीपल तो हो ही। 2 और 5 के मल्टीपल तो हो ही, अगर मल्टीपल नहीं है तो ठनठन गोपाल नहीं होगा। देखो 6 raised to the power n इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 raised to the power n, दैट मीन्स 2 raised to the power n into 3 raised to the power n। ठीक, बट वी नो दैट फॉर अ नंबर एंड विद 0 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 and 5। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, हमारा 0 से एंड होने वाला क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on। ये सारे के सारे 2 और 5 से डिवाइड होगा, बाकी चाहे जिससे भी हो, लेकिन 2 और 5 तो निश्चित ही उसका प्राइम फैक्टर होगा ही। यानी कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, उसके लिए 2 और 5 का होना जरूरी। भाई साहब, भूख लगे मिटाने के लिए रोटी चावल दाल सब्जी का होना जरूरी। पानी पी के तो भूख नहीं मिटाया जाएगा, प्यास मिटा लोगे। तो भाई साहब लास्ट में 0 चाहिए तो 2 और 5 को मल्टीपल में चाहिए, अगर नहीं तो वो नहीं होगा। लिखेंगे बट हेंस इन केस ऑफ 6 raised to the power n इट इज मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट बाई 5। तो हमें 2 और 5 दोनों चाहिए। सो 6 raised to the power n इज नॉट एंड विद 0 एट एनी वैल्यू, या एट एनी इंटीजर वैल्यू लिख दो ऑफ n। कोई भी n हम नेचुरल नंबर ले लें, लेकिन 6 raised to the power n 0 पे एंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पटक ले भैया सिर, नहीं होगा। समझ गए? आपको यही शो करना था, आपने कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? आप में से कितने बच्चे को मालूम है भाई? कंपोजिट नंबर इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय
टू और मोर देन टू नंबर, यानी कोई भी नंबर जो अपने आप और वन को छोड़कर रिमेनिंग किसी भी नंबर से डिवाइड हो। देखिए कोई भी नंबर है वो अपने आप से और वन से डिवाइड तो होगा ही, लेकिन उसको छोड़कर रिमेनिंग किसी और नंबर से भी डिवाइड हो तो वो कहलाता है कंपोजिट। और आपके क्वेश्चन में दे रखा है 7 into, क्वेश्चन नंबर 6, इसके दो पार्ट्स हैं, 7 into 11 into 13 plus 13, इट शुड बी रिटन एज 13 एज कॉमन, 7 into 11 plus 1, क्योंकि इस 13 में 13 से 13 कॉमन निकालेंगे तो प्लस बचेगा। अब देखो कुछ बच्चों को लगेगा कि भाई 13 तो निकाल लिया फिर 1 क्यों लिखा, सीधी सी बात है, सपोज करो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 into 1। अब इसमें 13 कॉमन निकाल लो, 13 1 जा 13 होता है इसलिए 1 हुआ। ये समस्या नहीं होना चाहिए, समझ लोगे ना। राजा रानी की कहानी, एक था राजा एक थी रानी और मर गए दोनों, खत्म कहानी, वो नहीं है मैथमेटिक्स में। राजा रानी की कहानी की तरह समझ लो कि भैया ये ऐसे होता है, ये होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 13 into 77 plus 1, दिस इज इक्वल टू 13 into 78, यानी कि ये क्या है कंपोजिट। एक 13 तो मिला, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलेगा इसका मल्टीपल हो गया, इसके बावजूद इसमें क्या है एक 13 है, तो ये कंपोजिट है। लिखेंगे आप हैंस 13 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो 7 into 11 into 13 plus 13 इज कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया। इसका सेकेंड पार्ट बहुत आसान, 1 into 2 into 3 into 5 into 5 into, कहां तक जा रहा है, 5 तक ही, 7 तक है, ओहो उल्टा लिखा है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसमें 5 कॉमन, 7 into 6 plus into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, क्यों 1, लाइक दिस। अब ये क्या हुआ, 5 into 7 6 जा 42 into 4 3 जा 12 2 जा 24 plus 1, और इट बिकम्स 5 into, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 24 2 जा 48 4 24 4 जा 96 and 400 plus 1, इट बिकम्स 5 into 1009। अब ये 5 मल्टीपल है यहां पर, तो लिखेंगे हैंस 5 इज फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो इट इज कंपोजिट। कोई झंझट नहीं, कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट में ला दिया, जो किसी का मल्टीपल में है वो हो गया कंपोजिट, और ये हमारा कंपोजिट है। चलिए देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है, वहां पर दो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, दोनों का टाइमिंग दौड़ लगाने का, आप में से भी जो दौड़ लगाओगे तो कोई तो ज्यादा दौड़ोगे कोई कम, जो दुबला पतला होगा ज्यादा तेज होगा ज्यादा एक्टिव होगा वो जल्दी दौड़ेगा, मोटा थुल थुल कोई भी होगा तो दौड़ ही नहीं पाएगा, भैया वो सोचेगा अरे दौड़ ना सके। तो दो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं,
अब इसमें एक बच्चे दोनों एक ही जगह से शुरू किया, बच्चे का नाम दे रखा है आपके बुक में सोनिया और रवि। सोनिया ले रही है टाइम कितना दौड़ पूरा करने में 18 मिनट और रवि ले रहा है 12 मिनट। लिखो सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट। दोनों एक ही, मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर पाथ है, इस पॉइंट से दोनों सोनिया भी और रवि भी दोनों ने एक ही पॉइंट से दौड़ लगाना शुरू किया। रवि 12 मिनट के बाद फिर से वापस एक राउंड मार लेता है, लेकिन सोनिया 18 मिनट के बाद लेती है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसी पॉइंट पर कितने मिनट के बाद दोनों आ जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं, सीधा एलसीएम इन दोनों का निकाल देंगे, जहां भी एलसीएम जो भी मिल गया वो आपका आंसर। सी 18 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेस टू दावर 2। 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 12 रेस टू दावर 2 इंटू 3। अभी मैंने आपको बताया कि क्या बनेगा एलसीएम, एलसीएम के लिए सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 रेस टू दावर 2 इंटू 3 रेस टू दावर 2, क्योंकि दोनों हमारा कॉमन फैक्टर है, दोनों कॉमन फैक्टर के मैक्सिमम पावर वाला ले लिया, इट बिकम्स 4 इंटू 9 दिस इज इक्वल टू 36। सो बोथ मीट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। जब से वो दौड़ लगाना दोनों ने शुरू किया 36 मिनट के बाद वही पॉइंट पे मिल जाएगा। समझ में क्लियर है बेटा, इसको बनाओ सॉल्व करो, नहीं मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे पास हूं। ओके okay?